अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इज़्ज़ा, वेलकम टू सेस्टेड इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इज़्ज़ा, सबसे पहले तो वैसे तो आपको सभी आप जान गए हैं, टॉप पोजीशन है आपकी सीएसएस के अंदर, तो उसके अलावा आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अगर हम करा दें। वेल, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन मार्च 2018 एंड देन आई अपीयर्ड इन सीएसएस 2019 एंड उसमें आई हैव बीन एलोकेटेड इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आई हैव सिक्योर्ड फोर्थ पोजीशन इन पाकिस्तान। अच्छा मैम, आपकी फोर्थ पोजीशन है, आपकी टॉप पोजीशन है सीएसएस के अंदर, तो जो मेरा आपसे सवाल है वो ये कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि आपको सीएसएस में टॉप पोजीशन दिलवा सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें कहूंगी कि सिर्फ सीएसएस नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए या कोई भी बेहतर पोजीशन लेने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन एंड योर डिसिप्लिन। सीएसएस की प्रेपरेशन में बहुत से ऐसे टाइम्स आते हैं व्हेन यू फील होपलेस, व्हेन यू फील डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। तो उस केस में स्टेइंग फोकस्ड एंड डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट नीड्स योर डिसिप्लिन, योर मोटिवेशन एंड योर डेडिकेशन। सेकेंडली, अगर मैं पर्टिकुलरली सीएसएस के हवाले से बात करूँ तो आई बिलीव रीडिंग हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे केस में मेरी रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आई हैड अ ग्रेट एफिलिएशन विद लिटरेचर, तो इवन दो मेरा सीएसएस के किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं था फिर भी उस हैबिट होने की वजह से दैट हेल्प मी अ लॉट इन बिल्डिंग अ रीजनेबल रिटन एक्सप्रेशन। थर्डली, आई बिलीव के लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल, टू बी काइंड, टू बी कंसिडरेट ऑफ दोज अराउंड यू, बिकॉज आई थिंक सक्सेस इज समथिंग दैट यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन दैट यू बिकम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आस्क फॉर अल्लाहस ब्लेसिंग्स ऑलवेज, बिकॉज प्रेयर्स डू वंडर्स। थैंक यू सो मच मैम।